सनमती मोबाइल दीपावली एवं धनतेरस की खरीदी पर पाएं विशेष ऑफर। सनमती सागर मोबाइल, विश्व भारती रोड, भगवानगंज, सागर। मवेशी कारोबारी का अपहरण कर 50 लाख रुपए मांगे जाने के बाद हड़कंप मच गया। मामला एमपी के शिवपुरी जिले के नरबर थाना इलाके के पीपलखेड़ी गांव का है, जहां बदमाशों ने मवेशी कारोबारी का अपहरण किया, फिर उससे फिरौती के 50 लाख रुपए मांगे। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर तीन बदमाशों को धर दबोचा। एक आरोपी फरार हो गया है, साथ ही कारोबारी को भी पुलिस ने मुक्त कराया। पुलिस के मुताबिक अमजद खान मवेशियों का कारोबार करता था और अपने भांजे के साथ भैंस देखने के लिए नरबर के पीपलखेड़ी गांव गया था। रास्ते में तीन बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके भांजे को डरा धमका कर वापिस भेज दिया था। इसके बाद भांजा घर पहुंचा, जिसने सारी कहानी परिवार वालों को बताई, जिसके बाद पुलिस में केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की। काली पहाड़ी के जंगल में बदमाशों को घेरा, उसके बाद कारोबारी अमजद खान को छुड़ाया। तीन बदमाशों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली, जबकि एक भागने में सफल रहा है। ये 31 तारीख को एक फरियादी हमारा आसिफ खान, उसके मामू थे अमजद खान, इन लोगों को एक व्यक्ति कार करके साथ में मोटरसाइकिल से ले गया था और ये कह के कि भैंस सस्ते में दिलवा देगा, इसके पिछले धंधे का काम ही अमजद करता है। वहाँ पर मगरोनी के पास में जंगल में तीन लोग और मिले और जो बंदूक लिए थे, और उन्होंने फिर इसको पकड़ लिया अमजद को। आसिफ ने जब कहा कि मैं तो काम करता हूँ तो इसको छोड़ दिया इन्होंने। आसिफ ने फिर थाने में रिपोर्ट की, इसमें 365 का केस रजिस्टर्ड किया था। जब पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही थी तो इसमें इन लोगों के फ़ोन आए कि 50 लाख रुपए देंगे तो अमजद को छोड़ेगा। जिसने लगातार आसपास के क्षेत्रों में जैसे पता लगा तो नाकाबंदी की थी और जंगल से निकलने वाले रास्तों में भी चेक लगाया था, इसलिए निकल नहीं पाए। कल शाम को एक सफलता मिली जब उन्होंने कहा कि उस पैसे लेके आओ, तो एक बोरे में पैसा रख के भेजा गया और उसमें साथ में जैसे ही इसको अमजद को देखा गया तो पुलिस ने इसको पहले अपने कब्जे में लिया और बाकी आरोपियों को, तीन आरोपी हमने पकड़ लिए इसमें, तो मिला के चार आरोपी, जिसमें एक फरार है। और उनके पास से अमजद के पास जो 80,000 रुपये थे उन्होंने ले लिए, तो उसने 25,500 रुपये किए। एक हमको एक आरोपी राय सिंह बघेल के पास से एक कट्टा और एक कारतूस मिला है और साथ में कुल्हाड़ी और सरिया से जब्त किए गए। सर जी आरोपी सर पहले भी कोई अपराध पंजीबद्ध था? अभी तो जस्ट कल हुआ, ये तो वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि एक आरोपी प्रतिया का है और बाकी एक कुछ घटनाएं सर इनकी जो हैं वो अभी पता लगेंगे। कोई सर नई गैंग बना रहे थे ये? नहीं, अभी तो जो बात आई इसमें ये बात आई कि आरोपी जो हमारा अपराध है उससे आरोपी वकार का पुराना रंजिश थी मन में, उसका पहले कभी विवाद हुआ था उसके भाई से, जिसमें किस भाई पे भी बना था आवश्यकता और एक इसके ऊपर भी एक्साइज का केस बना था, तो अपनी रंजिश के बल चलते इसे टारगेट बनाया था और इनको सपोर्ट देने की, क्योंकि मंगरोनी वगैरह में आते रहते थे, तो ये दूसरे अन्य तीन आरोपी जो टोकल मंगरोनी के हैं वो इनके साथ इन्वॉल्व होंगे। शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज। सनमती मोबाइल दीपावली एवं धनतेरस की खरीदी पर पाएं विशेष ऑफर। सनमती सागर मोबाइल, विश्व भारती रोड, भगवानगंज, सागर।